नमस्कार, बीसीएन न्यूज की टॉप 20 न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं अब तक की देश विदेश की प्रमुख खबरों की ओर। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला आरक्षण बिल पर कहा है कि ये एक जुमला है, ये कब लागू होगा, सरकार को ये बताना चाहिए, इसमें ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि संविधान के नए भवन में प्रवेश के समय उन लोगों को जो संविधान की प्रतियां दी गई थी उसमें समाजवादी धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है। भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बोट ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि कनाडा में रह रहे पंजाबी गायक शुभ की तरफ से इस साल के शुरुआत में दिए गए कुछ बयानों को लेकर उनकी आगामी भारत यात्रा को स्पॉन्सरशिप नहीं करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार एक बार फिर से सियासी चर्चा में आ गए हैं। इस बार उनकी मुलाकात पार्टी के बागी नेता अजीत पवार के करीबी प्रफुल्ल पटेल से हुई है, वो भी विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई दलों के नेताओं के सामने। दोनों काफी देर तक आपस में बातचीत करते हुए नजर आए। भारतीय सेना दिन पर दिन खुद को मजबूत करने में लगी हुई है। सेना ने अब LAC और LOC इलाकों में बेहतर कम्युनिकेशन के लिए सुरक्षित सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल खरीदा है। इसके जरिए इन क्षेत्रों में तैनात अधिकारी किसी भी वक्त अपने बड़े अधिकारियों मुख्यालय से संपर्क साध सकते हैं। महिला आरक्षण विधेयक यानी नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा नेता ने कहा है कि बीजेपी ने इस मुद्दे पर महाझूठ बोला है। भारतीय क्रिकेट टीम के अहम तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को 19 सितंबर को पत्नी प्रताड़ना मामले में बड़ी राहत मिली है। शमी को अलीपुर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था, इसके बाद उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया गया है। घरेलू शेयर बाजार ने सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को कारोबार की काफी खराब शुरुआत की। कारोबार की शुरुआत होते ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों भरभराकर गिर गए। सेंसेक्स ने 550 अंक से ज्यादा के नुकसान के साथ कारोबार की शुरुआत की तो निफ्टी खुलते ही 20,000 अंक के नीचे आ गया। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक बीजेपी नेता केंद्र सरकार का एक और जुमला है, क्योंकि यह 2024 लोकसभा चुनाव के समय प्रभाव नहीं आएगा। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने महिला आरक्षण बिल पर बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा कि सरकार ने महिला पर बिल लाया, इसके साहस का हम सम्मान करते हैं, हम लोग महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं करेंगे। एनसीपी नेता धीरज शर्मा ने महिला आरक्षण बिल पर बयान दिया है और दावा करते हुए कहा कि इस बिल को सबसे पहले स्टेट लेवल पर पवार साहब ने लाया था। बिल के माध्यम से महिला का सम्मान होना चाहिए, महिला का हर एक स्तर पर सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी MLC गोपीचंद पडलकर की एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर की गई विवादास्पद टिप्पणियों पर नाराजगी व्यक्त की है। महिला आरक्षण बिल पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जो भी फैसला लेंगे वह देश के हित में होगा, हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ट्रोल गैंग कल से अचानक मेरे खिलाफ सक्रिय हो गया है और मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वर्ल्ड कप 2023 करीब आ गया है। 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के आगाज में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। विश्व कप से पहले BCCI से मांग की गई है कि पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया से जुड़ना चाहिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 22 सितंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज होगा। वर्ल्ड कप से ठीक पहले यह सीरीज दोनों टीमों के लिए तैयारियों के नजरिए से काफी अहम मानी जा रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की शादी साल की मोस्ट अवेटेड वेडिंग में से एक है। ये कपल 24 सितंबर को उदयपुर में शादी के बंधन में बनने जा रहा है। हालांकि परिणीति और राघव की शादी के बारे में ज्यादातर जानकारी सीक्रेट रखी गई है। दीपिका कक्कड़ के पति और एक्टर शोएब इब्राहिम की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी, वहीं एक्टर ने अब अपनी एक तस्वीर शेयर कर फैंस को अपना हेल्थ अपडेट दिया है। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर देवानंद का जुहू स्थित उनका प्यारे घर को उनके परिवार ने बेच दिया है। अब दिवंगत एक्टर के इस आशियाने को तोड़कर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। जवान ने 13 दिन में 500 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। अब शाहरुख खान के सामने अपनी फिल्म पठान का रिकॉर्ड है, जिसे जवान को तोड़ना है। फिलहाल टॉप 20 न्यूज में इतना ही, आप बने रहिए BCN न्यूज के साथ। नमस्कार।